दिन यहाँ पर सुबह आते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद घूर करके घर चले जाते हैं। वो तो जानवर भी खाने का लायक नहीं है। और जो सरकार हम लोग को चावल दे रहा है या उसको बंद कर दे लेंगे। जब जाते हैं कहता है ऑनलाइन करो फलना करो, हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल कहाँ से लेंगे? तो जब बाप को मोबाइल नहीं है तो बेटा कहाँ से आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। 8:55 हुए हैं और इस वक्त हम मधेपुरा के एक कर्पूरी चौक पे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मजदूर हैं, ये सभी चेहरे जो है मजदूर के चेहरे हैं और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में मजदूरों का जीवन यापन कैसे चल रहा, क्या उसे काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुभाष यादव। अच्छा, हम पैसा से मजदूरी करते हैं। कौन काम करते हैं मजदूरी में, घर बनाते हैं कि मट्टी धोते हैं? नहीं, मकान बनाते हैं। हम लोग को सर काम नहीं मिल रहा है। हम लोग दिन यहाँ पर सुबह आते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद घूर करके घर चले जाते हैं। हम लोग को जो सरकार दे रहा है वो अनाज एकदम अरवा चावल दे रहा है, वो तो जानवर भी खाने का लायक नहीं है। और जो सरकार हम लोग को चावल दे रहा है या उसको बंद कर दे, हम लोग को वैक्सीन करवा, ये चावल खाने का लायक नहीं है। अगर सरकार तो वैक्सीन दिलवाने के लिए लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे, तो आप लोग ले क्यों नहीं रहे? ले कहाँ से लेंगे? जब जाते हैं कहता है ऑनलाइन करो फलना करो, हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल कहाँ से लेंगे? बच्चा के पास होगा ना बेटा? किसी के पास है? जब बाप को मोबाइल नहीं है तो बेटा कहाँ से आएगा? उसमें पैसा कहाँ से डालेंगे? गाँव में कोई आदमी रखता होगा, उसके पास जाइए, उससे बोलिए कि कर दो। सब आजकल सर कोरोना है, छुआछूत का बीमारी है ना, कोई किसी के यहाँ जाने के लिए देता है? वैसे भी हम लोग मजदूर है, कौन पूछने वाला है? जिसके यहाँ काम करते उसी को बोलिए भैया तेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। वो तो लोग तो और भीड़ ना करता है मजदूर से अभी। हाँ, अभी जो आदमी घर बनाता है बिल्डिंग खड़ा करता है वो भी आदमी से वो वहाँ पर जेबे नहीं करता है, अलगे रहता है, बोलता है बाद में होगा। तो सरकारे का जब ध्यान नहीं है तो ये मकान मालिक हम लोग को कैसे पूछेगा? काम वगैरह मिल रहा है अभी? काम कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कितना भीड़ लगा हुआ है। थोड़ा देर के बाद हम लोग सब घर चले जाएंगे। और वो अरवा चावल देता है, वो जानवर भी नहीं खाएगा तो आदमी कैसे खाएगा? नीतीश कुमार का कोई मंत्री अरवा चावल का कई एक बार खिचड़ी बना करके खाएगा तो हम लोग जितना मजदूर है फ्री में उसका काम करेंगे। नीतीश कुमार का काम करेगा फ्री में, तब किसका काम करेंगे? जो चावल भेज रहा है यहाँ पर कौन भेज रहा है? सरकार को कम से कम शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत नहीं करते हैं अधिकारी के पास जाएंगे सर? किसके पास जाएंगे? हम लोग मजदूर को कोई मतलब चिंता है जो जाएंगे फलना चिलना के पास? हम लोग को तो सिर्फ कोटा में मिलता है, जाते हैं तड़वा चावल ऐसे हाथ से ऐसे मसलिएगा तो वो एकदम हो जाता है आटा भूसा हो जाता है। गाय माल भी वो चावल नहीं खाता, वैसे रोड पर फेंका रहता है। कभी सरकार इस सबको देखना चाहिए ना। जब अभी हम लोग मजदूर हैं, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है तो वही इतना खा करके गुजर करेंगे, और जब वही सरा हुआ देगा तो कौन सी खाएंगे आप बताइए? नहीं काम मिलता, देखिए कितना भीड़ है यहाँ से वहाँ पर। 7 बजे हम लोग काम के तलाश में यहाँ पर आते हैं और फिर 9-10 बजे तक में सब घूर करके घर चले जाएंगे। रोज का यही काम है, ये समस्या पूरा समस्या है। तब देखिए कितना गरीब आदमी है, देखिए सब यहाँ पर है ना, खड़ा है ना आपके पास, और थोड़ा देर में सब चले जाएगा घर। सरकार को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए ना। जो मजदूर जो हम बाहर से बुलाए हैं उसको यहाँ पर बोला काम देंगे, सब कागजे पर काम होता है, अप्लाई करना पड़ता है ना काम के, अप्लाई वगैरह किए मुखिया से मिले भैया? उस सब का हमको लोग को तो पता नहीं ना। मुखिया के पास जाइएगा तभी ना भाई, मतलब कहेगा ना, वो आदमी को चुनेगा ना, कौन सा आदमी मजदूर है कौन आदमी घर में भूखल है। जरूरी आपको है, आपको जाना पड़ेगा मुखिया के पास, वहाँ जाइए उनसे बात कीजिए। पता रहेगा हम लोग को, कोई कहेगा जो जाओ फलना के पास, आज तक तो किसी को काम नहीं दिया है मुखिया जो हम लोग वहाँ पर जाए। नरेगा का काम मिलता है पंचायत में, आप वहाँ जाइएगा तभी ना पता चलेगा भाई। कैसे पता चलेगा सर? आज हम लोग का सर गाँव शहर में है घर, है हम लोग वार्ड में आते हैं, हम लोग के पास कोई मनरेगा नहीं है। तब 3-4 गो बच्चा है या काम नहीं मिलता है, कौन सी खिलाएंगे आप ही कहिए? कोई देगा पैसो उधारी आजकल देता है? क्या नाम बताए? मेरा नाम है सुभाष यादव। सरकार को चाहिए था कि इन लोगों के लिए जो है कुछ व्यवस्था करे। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं।